फ्रेंड्स, अगर आपको फिश फूड के बारे में कुछ भी जानना है तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो जो है वो मेरे अपने हिसाब से, जो मेरे पर्सनल व्यूज हैं, हमें कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें नहीं अच्छी लगती हैं, इस हिसाब से, और बाकी हॉबिस्ट के हिसाब से है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि पेड है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल, मतलब कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमें कौन सी चीजें अच्छी लगती है, ये उस चीज पे वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी, और मैं काविश के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज बेस्ट फूड फॉर योर फिश, और यू कैन से बेस्ट फूड फॉर योर फिश। तो फ्रेंड्स, आपकी फिश के लिए बेस्ट फूड कौन सा, उससे पहले आपको देखना होगा कि आपकी फिश कौन सी है। हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि सिकलेट या फिर गोल्ड फिश, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि आपकी फिश कौन सी है, टॉप फीडर, मिड फीडर की बॉटम फीडर। जो टॉप फीडर होती है फ्रेंड्स, वो जो सरफेस पे जो फूड होता है वो वहां पर खाना पसंद करती है, और जो अगर आप ऐसा फूड देंगे जो बॉटम फीडर के लिए, तो उनको परेशानी होती है। जैसे कि टॉप फीडर जो होती है, जैसे एरवाना हो गई, बेटा हो गई, या फिर समझ सकते हैं कि जिनका जो माउथ होता है थोड़ा ऊपर की तरफ ओपन होता है, उनको कहते हैं टॉप फीडर। वो ऊपर से फूड लेना पसंद करती है। जैसे गोरामी हो गया, अपने साथ समझ सकते हैं, जिनका मुंह थोड़ा ऊपर की तरफ ओपन होता है वो टॉप फीडर होती है। और जो मिड फीडर होती है, सेकंड नंबर पर मिड फीडर होती है। मिड फीडर कौन सी होती है फ्रेंड, ज्यादातर जो फिश होती है मिड फीडर होती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पैरेट हो गई और एंजल हो गई, ये सब मिड फीडर होती हैं, क्योंकि जो इनका जो माउथ होता है वो सामने की तरफ होता है, तो जो इनको ऊपर से लेने में परेशानी होती है फूड, इनको काफी टिल्ट होना पड़ता है ऊपर से फूड लेने के लिए, तो इनके लिए थोड़ा सिंकेबल फूड होना चाहिए। और जो थर्ड नंबर पर आते हैं वो होते हैं हमारे बॉटम फीडर। बॉटम फीडर कौन सी होती है, जैसे कैट फिश हो गई हमारी, और जिनका जो माउथ होता है थोड़ा नीचे की तरफ होता है, या फिर जो ऊपर आना पसंद नहीं करती, उनको कहते हैं बॉटम फीडर, जो ग्रेस करती है नीचे। जैसे कि लोच हो गई और प्लेको हो गई और रेज हो गई, जिनका मुंह नीचे की तरफ होता है, नीचे रहना पसंद करते हैं, उनको कहते हैं बॉटम फीडर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, ये अब आपने देख लिया कि आपकी फिश कौन सी है। आप अब देख के अब मतलब कि अपने साथ आइडिया लगा रहे हैं कि आपकी फिश कौन सी है। अब आपको देखना होगा कि आपकी फिश की डाइट क्या सही है उसके लिए। तो उसके लिए आपको गूगल की हेल्प लेना पड़ेगी। आप अपनी रिसर्च करिए थोड़ी सी कि आपके फिश ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है कि हर्बीवोरस है, क्योंकि फ्रेंड्स ये चूज करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके फिश कार्निवोरस है, आप उसको हर्बीवोरस फूड खिला रहे हैं तो सही नहीं रहता है, और अगर हर्बीवोरस है और कार्निवोरस फूड खिला रहे हैं तो सही नहीं रहता है। देखिए, कार्निवोरस फिश में आती हैं जो गोश्त खाती हूँ, नॉन वेजिटेरियन हो, जो मांस खाती हूँ, जैसे कि हो गई हमारी ऑस्कर हो गई, ये सब इसमें आती हैं। और हर्बीवोरस में काफी सारी वैरायटी आती है। आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा अपनी आपकी जो भी फिश है, आप उसका नेम सर्च करिएगा, फिर डाइट वगैरह सर्च कर लीजिएगा उसकी, तो आपको सीधे पता चल जाएगा। वैसे ज्यादातर फिशेज जो होती हैं वो ओमनीवोरस होती हैं, तो जो ओमनीवोरस जो फिश होती है उनको डाइट में दोनों चीजें चाहिए होती हैं, वेज और नॉन वेज दोनों चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन सा फूड आपके लिए सही है। तो बहुत से लोग बहुत से टाइप का फूड मतलब कि यूज करते हैं, बहुत हंड्रेड्स ऑफ टाइप का फूड मार्केट में अवेलेबल है। बट फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि जो मतलब जो इंटरनेशनल ब्रांड है, जो काफी ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है, जिनका एक नाम है उसमें, इस इंडस्ट्री में, आप वो फूड यूज करिए, क्योंकि नए नए ब्रांड्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका भरोसा नहीं रहता है कि जो है कैसा फूड वो बना रहे हैं। तो जो है अब आप फूड कैसे चेक करेंगे, ये नहीं कि कोई भी फूड आपने देखा और हाँ ये अच्छा, अगर पैकिंग अच्छी है तो आप ये फूड लेके आ गए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फूड के अंदर क्या चेक करना होगा, आपको फूड के अंदर चेक करना है कि उसके अंदर प्रोटीन कितना है, विटामिन्स कितने हैं, ये सब चेक करना है। जो फ्रेंड्स जैसे कि कार्प हो गई और गोल्ड फिश हो गई, इनके लिए जो ये होता है मतलब कि जो ओमनीवोरस ज्यादातर फिश होती हैं, इनके लिए जो हर्बीवोरस फिश होती हैं और ओमनीवोरस फिश होती हैं, इनके लिए ज्यादातर मतलब कि जो प्रोटीन होना चाहिए वो जो है 20% से लेकर 40% तक होना चाहिए, जो हमारी हर्बीवोरस फिश होती है और ओमनीवोरस होती है। जैसे कि गोल्ड फिश हो गई, कॉर्प हो गई, इनके लिए 40% तक प्रोटीन हो तो ये अच्छा ग्रो करेंगी। और अगर आपके जैसे कि कार्निवोरस फिश है और सिकलेट्स हैं, तो जो इनके लिए प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि 40% से लेके 80% तक प्रोटीन होना चाहिए। 80% प्रोटीन जल्दी आपको मिलता नहीं कहीं पर भी, 80% प्रोटीन वाले फूड काफी कम है मार्केट में। अब आपको देखना, अब फूड तीन टाइप के होते हैं, एक तो ग्रैन्यूलेटेड, फ्लेक, और तीसरा होता है पैलेटाइज्ड। ये तीन तरह के फूड होते हैं, और डिपेंड करता है आप कौन सा फूड लेते हैं, या फिर लाइव फूड, वो तो अलग बात हो गई, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो जैसा कि मेरे हिसाब से, जैसे कि फ्लेक्स हो गए, अब फ्लेक्स देख सकते हैं, फ्लेक्स हमें ज्यादा पसंद नहीं है वैसे फ्लेक्स, क्योंकि हमें इसकी क्वालिटी सही नहीं लगती फ्लेक्स की, इसमें फ्लेक ज्यादा यूज नहीं करते हैं। और जो ग्रैन्यूलेटेड फूड होते हैं वो हमें ज्यादा सही लगते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये सबके लिए सही रहते हैं, क्योंकि ये स्लोली सिंकेबल होते हैं, जब इनको डालेंगे तो जो है
जब उनको डाल देंगे थोड़ी ज्यादा सरफेस पे रहते हैं फिर धीरे धीरे सिंक होना शुरू करते हैं। ये डिपेंड करता है इसके अंदर मॉइस्चर कितना है, इस पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो सिंक करते हैं और क्या उनका रहता है। अगर एयर ज्यादा है तो फिर सही नहीं रहता है। जैसे कि कुछ फूड में एयर ज्यादा होती है तो जो है उसके अंदर ऐसा होता है, वो काफी ज्यादा ड्राई होता है, उसमें एयर ज्यादा होती है तो उसमें ऐसा होता है कि आपकी स्पेशली गोल्ड फिश को जो लोग फूड करते हैं ऐसा चीप फूड थोड़ा सा ऐसे फीड करते हैं उनको, तो ये होता है कि जब उनको फूड फीड कर देंगे आप उनको तो जब वो खा लेती हैं फिर जो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जो उनका एयर ब्लैडर होता है उसमें एयर आ जाती है, स्टमक में एयर आ जाती है तो वो अपसाइड डाउन उनका हो जाता है, पेट ऊपर की तरफ हो जाता है या फिर उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो बॉटम में ही उल्टी उल्टी पड़ी रहेंगी, ऐसा सब हो जाता है। तो जी ये चेक करना बहुत ही जरूरी है, आपको कुछ दिन तक चेक करना होगा कि जो है आपकी मतलब कि आप फूड दें, अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो आपको फूड चेंज करना होगा। ये हमने बहुत सारे सस्ते फूड में देखा है, बहुत से लोग मेरे पास मैसेज भी करते हैं भाई ये देखिए मेरी फिश को क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, ये इसीलिए होता है। और अगर आपका फूड अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो जो है मतलब कि वो डिजोल्व कितनी जल्दी होता है वाटर पे इस पर भी डिपेंड करता है, जो स्लोली डिजोल्वेबल फूड होते हैं वो सही रहते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे अमोनिया नाइट्रेट प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली मरीन और सॉल्ट वाटर टैंक में अगर जल्दी वो फूड डिजोल्व हो रहा है तो जो आपका अमोनियम नाइट्रेट बढ़ जाएगा एक्वेरियम के अंदर जो सही नहीं रहता है। तो जो अब बात करते हैं कि आप कौन सा फूड ले सकते हैं फ्रेंड, जो जैसे कि अगर आप कम पैसे में फूड चाहते हैं, बहुत सारे लोग कम पैसे में फूड, जैसे कि कुछ लोग तो फूड खरीदते ही नहीं और लइया खिलाते हैं और रोटी खिलाते हैं, तो अब उनके लिए क्या कहें, खिला रहे हैं तो सही है, वैसे हम ये कहेंगे कि थोड़ा अच्छा फूड खिलाएं तो सही रहता है। डिपेंड करता है आपकी पॉकेट कैसी है, आप क्या खिलाना चाहते हैं, जैसे कि ये ऑप्टिमम वगैरह हो जाता है, ये भी चीप रेट में सही रहते हैं फूड कि कम पैसों में, मतलब कि जैसे कि अगर स्टूडेंट वगैरह हैं तो सही रहता है, कम पैसे में फूड सही रहते हैं ये सब। और अगर आप जैसे कि थोड़ा सा अगर आप मतलब कि थोड़ा ज्यादा आप स्पेंड करना चाहते हैं फिश फूड के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड मतलब इससे नहीं रहता है कि आप अच्छी वैरायटी की फिश ले आए फिर उसको सस्ता फूड खिलाएंगे तो फ्रेंड उसके कलर नहीं आते हैं। और अगर आप मतलब कि ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं भी फिश है और अगर आप ले आते हैं उसको अच्छी क्वालिटी का फूड खिलाते हैं तो उसके कलर्स काफी अच्छे हो जाते हैं। और स्पेशली जब फिश की ग्रोथ हो रही होती है, जब वो जुवेनाइल होते हैं, जब वो बेबी होते हैं, तब उनको अच्छा फूड खिलाएं तो काफी सही रहता है। अब बात करते हैं कौन से फूड सही रहते हैं, जैसे कि जो नंबर वन पर है वो तो आपको पता ही होगा, ये हिकारी हो गया है, हिकारी नंबर वन पर आता है, ये काफी अच्छा ब्रांड है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है और जो है इसके मतलब कि इसमें जो प्रोटीन वगैरह रहता है काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है और ये हर फिश के लिए अलग अपना बनाता है फूड, तो काफी सही रहता है। और फिर उसके बाद जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो तो ये टेट्रा है, टेट्रा के भी काफी सारे आते हैं, जैसे कि ये मेरे पास है टेट्रा बिट्स हो गए, टेट्रा बिट्स में काफी सारी वैरायटी आती हैं, जैसे कि टेट्रा बिट्स मिनी आता है और टेट्रा बिट्स कंप्लीट आता है, टेट्रा बिट्स कलर्स आता है, काफी सारे टेट्रा बिट्स के आते हैं फ्रेंड्स, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है ये, हम काफी यूज करते हैं टेट्रा बिट्स क्योंकि ये स्लोली सिंकेबल होता है, मेरे फिश देख सकते हैं ये सब मिड फीडर की फिश है तो जो है हम जब इसको डालते हैं तो जो ये धीरे धीरे सिंक होता है तो सही रहता है। और फिर आप उसके बाद यूज कर सकते हैं जैसे कि वर्म्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट वर्म्स हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वर्म्स भी कई तरह के आते हैं, वाइट वर्म्स और ब्लड वर्म्स और लाइव वर्म्स, तो डिपेंड करता है आप कौन से वर्म्स यूज करते हैं, हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप कोई भी वर्म्स यूज करें, वर्म्स में इसमें प्रोटीन और काफी ज्यादा लिखा होता है हमें, मगर हमें ऐसा नहीं लगता है क्योंकि ये फ्रोजन ड्राइड वर्म्स होते हैं, पहले इनको फ्रीज करा जाता है फिर इनको ड्राई करा जाता है, तो फ्रीज और ड्राई करने में काफी टाइप के आते हैं, फ्रीज और ड्राई करने में काफी ज्यादा इनका जो मतलब कि जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, जो इसके मतलब कि जो वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब लॉस्ट हो जाते हैं फ्रीज और ड्राइड करने में, तो मतलब कि हम तो इसको बस ऐसे यूज करते हैं जैसे कि एक ट्रीट होती है फिशेस के लिए, क्योंकि कभी उनका टेस्ट चेंज होना चाहिए वैसे हम यूज करते हैं। तो जो आप ये वर्म्स चूज कर सकते हैं, काफी सारे वर्म्स आते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वर्म है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप ये थोड़ा मीडियम साइज का है, ये देख सकते हैं आप, ये हम यूज करते हैं थोड़ी मतलब कि जो मेरी मीडियम फिश है इनके लिए हम ये यूज करते हैं। और अगर बस काफी स्मॉल फिश है जैसे कि टेट्रा वगैरह हो गई तो आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर डॉर्फ आपके पास अगर सिकलेट्स हैं जैसे कि रामर रोजी, ये आप ये यूज कर सकते हैं, ये ब्लॉक्स के शेप में होते हैं तो ये आप इनको यूज कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स इनको ऐसे ही ना यूज करा करिए, इनको जो है वेट करके यूज करा करिए, वो वीडियो हम सोच रहे हैं दूसरी बनाएं क्योंकि काफी लॉन्ग हो जाएगी अगर हम ऐसी पूरी वीडियो बनाएंगे। तो हमारे वर्म्स हो गए और अब फ्रेंड बात करते हैं कि साइज कितना होना चाहिए, आपके जो पैलेट है इसका साइज कितना होना चाहिए,
काफी बड़ा साइज ना यूज करें, क्योंकि ज्यादातर फिश जो होती हैं वो मतलब कि चबाती नहीं है, इसको चुई नहीं करती, डायरेक्ट निकल जाती हैं, सोलो कर लेती हैं। तो जो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, आपको थोड़ा मतलब कि ये नहीं कि आपकी फिश थोड़ी सी बड़ी हो गई तो वहाँ बड़ा दाना खिलाएंगे उसको, बड़ी है बड़ा दाना खिलाएंगे हम लाके उसको, ऐसा नहीं। ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये मीडियम है, मीडियम से एक्सेल है शायद, ये एक्सेल है, ये देख सकते हैं आप। ये तो ज्यादा बड़ा दाना ना खिलाया करिए, वैसे कॉर्प वगैरह के लिए सही रहता है, अगर आपकी बड़ी बड़ी साइज में है तो सही रहता है वैसे जो है, क्योंकि वो डायरेक्टली इसको सॉलो कर लेती हैं, उसको चबाती हैं नहीं, तो जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है उनको, तो जो छोटा दाना खिलाइए, ज्यादा भी छोटा ना खिलाइए कि बिल्कुल पाउडर की तरह डाल दिया तो उनको खाने में परेशानी होती है, थोड़ा मीडियम साइज का दाना खिलाइए तो सही रहता है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जो काफी सारे फेक भी हैं मार्केट में ब्रांड्स, तो और भी काफी सारे जो पॉपुलर ब्रांड है उसके साथ फेक कॉपी भी आती है, फर्स्ट कॉपी भी आती है। जो टेट्राबिट्स होता है वो जरूर देखिए, यहाँ पर मेड इन जर्मनी लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना का लिखा है तो वो फेक है, और जब इसको ओपन करेंगे तो ऐसी सील होना चाहिए, लोग देख सकते हैं, और जब इसको ओपन करेंगे तो देख सकते हैं इसको जो ओपन करेंगे ऐसे, तो जो ये काफी मतलब कि देख सकते हैं काफी लाइट वेट होता है, काफी अच्छा होता है, और जब इसको स्मेल करेंगे काफी स्ट्रांग स्मेल होती है इसकी, हम आपको स्मेल करके बता नहीं सकते कैसा है, ये तो आपको एक्सपीरियंस ही पता चलेगा, बट काफी स्ट्रांग होती है। अगर आप लोकल जो होता है उसमें इतनी स्ट्रांग स्मेल नहीं होती है, अगर आप ऐसे लेते हैं और आपको ज्यादा स्मेल नहीं लगती तो उसका मतलब वो फेक है, और स्पेशली ये चीज देख लीजिएगा मेड इन जर्मनी लिखा हो। और जो है आप श्रिम भी खिला सकते हैं, जैसे कि श्रिम भी काफी सही रहता है, वर्म्स हो गए, श्रिम्प हो गए, जैसे कि श्रिम हमने आपको बताया, हमने से भी कहा था कि अगर आपके पास सिगलेट्स हैं तो जो उसमें 80-70% तक प्रोटीन आप खिलाइए तो काफी अच्छी ग्रोथ होती है, उसमें देख सकते हैं 75% प्रोटीन लिखा हुआ है, 75% प्रोटीन लिखा हुआ है, और इतना तो मतलब कि टेट्राबिट्स और हिकारी में भी नहीं होता है कभी कभी, तो जो है 75% प्रोटीन इसमें जरूरी नहीं 75% प्रोटीन हो, क्योंकि बहुत सारी जो ब्रांड्स होते हैं वो प्रोटीन ऐसे लिखते हैं जब मतलब कि जब आपका वेट होता है, ये जो मतलब कि फूड होता है जब वेट होता है तब उसका प्रोटीन लिख देते हैं, और जब ड्राई होने के बाद वो सब उसकी सब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो जैसे कि श्रिम्प हो गया, आप देख सकते हैं ये श्रिम्प हो गया, ये हटा देते हैं सिलिका जेल, तो ये देख सकते हैं ये श्रिम्प हो गए हमारे, ये ड्राइड श्रिम्प है, फ्रोजन ड्राइड, ये देख सकते हैं आप, ये तो जो ये भी काफी सही रहते हैं फिशेस के लिए, इसको भी आप वेट करके खिलाइए, ऐसे ना खिलाइए। तो फ्रेंड अब तो बात हो गई इसकी, अब बात करते हैं कि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन और विटामिन फिश तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो जो अगर ये देख सकते हैं मेरे पास कुछ चीजें हैं, ये देख सकते हैं आप, अगर जैसे कि अगर आपके फिश ओमनीवोरस है, अगर आपके फिश ओमनीवोरस है तो जो है आपको कुछ भी खिला सकते हैं, वेज नॉन वेज दोनों खिलाइए, काफी अच्छा रहता है। अगर हर्बीवोरस है स्पेशली कि अगर आपके पास ये प्लेको है, मतलब कि जिसको कुछ लोग क्रोकोडाइल भी कहते हैं, सकर फिश कहते हैं, अगर आपके पास वो है तो उसके लिए आप मतलब कि उसकी डाइट में उसको फाइबर काफी चाहिए होता है, तो फाइबर आप कहाँ से देंगे, आपके एक्वेरियम में ड्रिफ्ट वुड हो तो सही रहता है, उसको फाइबर मिल जाता है, वो उसको काफी ज्यादा ग्रेस करती रहती है, या फिर आप ऐसे क्यूकम्बर यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे क्यूकम्बर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप ये क्यूकम्बर है, आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये इसको आपको कैसे यूज करना है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप कोई भी नाइफ लिए और इसको कट कर लिए, ऐसे कट कर लिए, बस ऐसे कट करने के बाद फिर आप किसी भी चीज में ऐसे लगा के उसको रख दिया, ऐसे नाइफ में ना लगाइएगा वरना उस प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको किसी भी चीज में लगा के उसको डाल दिया ऐसे। हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी अगर हम खिलाते हुए क्यूकम्बर, हमने अगर आप लोग फॉलो करें तो देखा होगा उन लोगों ने, आप क्यूकम्बर खिला सकते हैं उसको। और जैसे कि बहुत से लोग एग वाइट खिलाते हैं, एग वाइट हम भी खिलाते हैं अपनी फिश को, एग वाइट काफी सही रहता है, ये देख सकते हैं एग वाइट है हमारा, एग है, और जो एग वाइट जो होता है इसको आप कट कर लिए, फिर उसके बाद में जो एग वाइट होता है ये बाहर आ जाता है, ये देख सकते हैं आप, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए ऐसे करके, फिर आप खिला सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी फिश खा रही हैं, ये देख सकते हैं आप, हम एग वाइट कभी कभी खिला देते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 डेज के बाद एग वाइट खिला देते हैं। और फ्रेंड उसके बाद बात आती है ये गोट हार्ट या फिर गोट लीवर की, इसकी बात आती है, तो फ्रेंड्स ये भी काफी सही रहता है, डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन है तब तक वो खिलाने में काफी परेशानी होगी, बट फ्रेंड्स ये भी काफी सही रहता है फिशेस के लिए, स्पेशली डिस्कस हो गई, एंजल्स हो गई, इनके लिए काफी सही रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स वैरायटी ऑफ फूड में भरोसा रखते हैं कि रोज अलग अलग फूड मिलना चाहिए, रोज तो नहीं फ्रेंड्स, बट जो है मतलब कि एक दो दिन के बाद थोड़ा उनका टेस्ट चेंज होना चाहिए। जैसे कि आपने एक टाइम कोई भी ऐसे चीप फूड डाल दिया,
फिर जो जो आपको जैसे कि सुबह आपने कोई भी, हम तो ऐसा कहते हैं कि जब जब मॉर्निंग का उनका जो वो होता है ब्रेकफास्ट होता है जो या फिर कह लिए फर्स्ट मील जो होता है वो हेल्दी होना चाहिए, वो आप हिकारी या टेट्राबिट्स या फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो खिलाइए। उसके बाद में इवनिंग में थोड़ा सा स्नैक्स के तौर पर आप कोई भी वर्म्स दे सकते हैं, फिर वो चाहे मतलब कि मिनी वर्म्स हो गए या फिर थोड़े से लार्ज साइज के वर्म्स हो गए, जो भी आपके पास हो या फिर आपके फिश के साइज के हिसाब से जो भी सही रहे वो वाले वर्म्स दे सकते हैं, सही रहेंगे। ऐसे ही फ्रेंड देते रहा करिए। और अगर आपकी गोल्ड फिश है तो गोल्ड फिश के लिए ये जो ग्रीन पी होती है, मटर फली, मटर जो भी आप कहते हो, वो काफी सही रहती है। उसको आप बॉयल करके आप उसको दे सकते हैं, काफी सही रहती है। और पालक सही रहती है, स्पिनिच, इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में स्पिनिच हो गई, इसको आप खिला सकते हैं गोल्ड फिश को। और भी और जैसे कि अगर आपके पास कार्प वगैरह है तो जो है उसको आप जैसे कि कोई फ्रूट खिला सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज वगैरह हो गया, छोटा तोड़ के दे दिए, खाती है वो, सही से ग्रोथ होती है उसकी। बट फ्रेंड्स फ्रूट ज्यादा उसको ना दिया करें किसी भी फिश को, क्योंकि फ्रूट में शुगर काफी ज्यादा होता है, फ्रुक्टोज होता है काफी ज्यादा, जो ज्यादा सही नहीं रहता है फिश के लिए, बट कभी कभी सही रहता है क्योंकि हर तरह के प्रोटीन्स और विटामिन मिलना चाहिए फिश को, तो उसके लिए काफी सही रहता है। वैरायटी ऑफ फूड दिए आप, जो भी आपके घर में इजिली अवेलेबल हो, मतलब कि जब आपके घर में पालक पक्की, थोड़ी सी पालक दे दी अपनी गोल्ड फिश को। और अगर नॉन वेजिटेरियन है आप तो जो आप उसको गोट हार्ट या बीफ हार्ट या बीफ लीवर ऐसा कुछ दे दिए, बीफ लीवर नहीं, अब गोट हार्ट और गोट लीवर दिए काफी सही रहता है, क्योंकि बीफ लीवर थोड़ा सा डेंस होता है। और तो और फ्रेंड्स एक और चीज, आप लाइव फीडिंग कैसे कर सकते हैं अपनी फिश के लिए, उसके लिए या तो आप ब्राइन श्रिम्प ग्रो करिए हैच, या फिर बस हैच करिए, या फिर फ्रेंड्स सबसे जो इजी तरीका होता है, मतलब कि फ्री में आप उसको कह सकते हैं, वो तरीका है कि जो है आप जो है ये मॉस्किटो लार्वा कैसे हैच कर सकते हैं, वो कैसे फीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मॉस्किटो लार्वा ये जो होते हैं ये देख सकते हैं आप, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये काफी सारे मॉस्किटो लार्वा हैं, और ये ऐसी रखी रहती है बकेट मेरी, जब भी हमको मॉस्किटो लार्वा जरूरत होती है तो हम पानी भर देते हैं, कुछ दिनों में यहाँ पे मॉस्किटो लार्वा फॉर्म हो जाते हैं। तो उसको कैसे कलेक्ट करना है, बस आप फिशिंग नेट ले लिए कोई भी ऐसा, बस उसके जो ये पोर्स हों थोड़े छोटे होना चाहिए, फिर आप इसको ऐसे ऐसे अंदर घुमाइए इसमें, बस फिर आप कोई भी जैसे कि आपको फ्रेश वाटर लेना होगा उसमें ऐसे इनको रिलीज कर दिए, ये देख सकते हैं आप इसमें आ गए हमारे, और फिर ऐसी कई बार करिए ऐसे ही, बस आपको ऐसे ही करना है कई बार, तो फिर आके पास फ्री की फिश फूड हो जाएगा, फिश के लिए अच्छी अच्छी खासी ट्रीट हो जाएगी एक फ्री में। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कैसे हैं सब, ये होते हैं इनको, चलिए इसमें रिलीज कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर सारे वाटर को इससे पास करिए, और जो मॉस्किटो लार्वा होंगे वो क्लीन पानी में फिर से एक बार ऐसे ही आप करिए, फिर जाके अपने एक्वेरियम में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके फिश के पास एक लाइव फूड अच्छा खासा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वापस। कभी कभी कोई कोई फिश होती हैं जो फीड करना छोड़ देती हैं, जैसे कि स्पेशली ये सेवरम हो गई, ये हमने कई बार सेवरम में पर्सनली नोटिस करा है कि वो बीच बीच में मतलब कि फीड करना छोड़ देती है। तो क्या करना होता है उसके लिए आप ऐसे लाइव फीडिंग उसको करवाइए, थोड़ी देर तक उसके लिए लाइव फीडिंग डाल दिए ऐसे कुछ, जैसे कि मॉस्किटो लार्वा हो गए या बग्स हो गए या ब्राइन श्रिंप हो गए, और डाल देंगे तो फिर वो धीरे धीरे फिर से वो खाना स्टार्ट कर देती है, ऐसे फिर वो खाना छोड़ देती है कोई टाइम बाद, पता नहीं क्यों तो ऐसा हो जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा फ्री में लाइव फूड आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी फिश को, लाइव फूड काफी सही रहता है, स्पेशली बेटा फिश के लिए काफी सही रहता है, क्योंकि अगर आप उसको लाइव फीड नहीं देंगे एक दो दिन के बाद तो जो है फिर वो सही से कलर शो ऑफ नहीं करती है, सही से शो ऑफ नहीं करती है, तो जब वो मतलब कि आप देखते हैं उसके जब शो ऑफ करती है तभी वो अच्छी लगती है, ऐसे नहीं अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स उसके लिए काफी सही रहता है कि जब उसको लाइव फीडिंग करवाएं बीच बीच में, कभी कभी लाइव फीडिंग करवाएं ऐसे मॉस्किटो लार्वा करवा दें, क्योंकि ये आपको फ्री में मिल जाएंगे कहीं पर भी, और ये बाकी फिश को फीड करवा सकते हैं, उससे फिश काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं लाइव फीडिंग करवाने से। और ऐसे भी हैच कर सकते हैं अपने, जैसे हमने बताया आप इसको हैच कर सकते हैं ऐसे ही, और जब भी आपको मौका मिले आप इनको अपने फिशेस को फीड करवा दिए, उससे ये काफी सही रहता है, और एक तो फ्री में मिल जाता है आपको, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है खास,
और अगर आपके पास मरीन टैंक है तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको चेक करना होता है कि जो है वाटर पैरामीटर्स कैसे रहे, आपके सही रहे वाटर पैरामीटर, अमोनिया नाइट्रेट फॉस्फेट ये हाई ना हो, तो उसके लिए आपको जो फिश फूड होता है चूज करना पड़ता है सही से। स्पेशली हिकारी जो है इसमें काफी सही रहता है कि जो है आप कौन सा फूड चूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई भी फूड ले आते हैं तो जो है आप कोई भी फूड ले आइए, फिर आपको चेक करना होता है कि जो है कुछ डेज के बाद फीड करने के बाद फिर आप अपने पैरामीटर्स चेक करिए, नाइट्रेट फॉस्फेट ये सब कैसा है, तो जो सब पता चल जाएगा कि वो फूड सही है कि नहीं है। अगर ज्यादा नाइट्रेट फॉस्फेट है, अगर ज्यादा आपको मतलब कि दिख रहा है बढ़ गया अगर लेवल नाइट्रेट और फॉस्फेट का, तो जो है आपको फूड चेंज करना पड़ेगा। अगर देख रहे हैं सही ज्यादा नहीं बढ़ा है तो फिर वो फूड सही है आपके लिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और आप कौन सा फूड यूज करते हैं वो कमेंट करना नीचे ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, तो उसके साथ शेयर कर लिए। और फ्रेंड्स आप हमको फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम स्टोरीज डालते रहते हैं ऐसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।